to my channel guys. आज का व्लॉग हम कर रहे हैं इंडिया से. कैसे, कब, क्या हुआ वो सब आपको पता पड़ेगा. जस्ट वेट एंड वॉच, बने रहिए ये व्लॉग में, सब पता पड़ेगा. ये बाल क्यों कट हुए, कब हुए, सब्र करो गाइस, सब्र करो. ये व्लॉग में सब देखने को मिलेगा. एंड ये व्लॉग शायद मेरे लिए सबसे स्पेशल व्लॉग होगा. मैंने सोचा था कि मैं सबके रिएक्शंस लूँगी, पर मैंने किसी के रिएक्शंस नहीं ले पाई. सिर्फ मेरे घर वालों की और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसका मैंने बस रिएक्शन वीडियो लिया है. बाकी मैं किसी का रिएक्शन वीडियो नहीं ले पाई हूँ फॉर सम रीज़न. मैं बस अपने एक्साइटमेंट, अलग ही एक्साइटमेंट में थी, किसी का नहीं ले पाई हूँ. बट या इट्स अ वेरी स्पेशल व्लॉग. बस देखो, मज़े करो. नहीं देख रहा हूँ, देखो पर मज़े करो. सो फाइनली टिकट्स बुक हो गई है मेरी, ऑब्वियसली इंडिया जाने की. हाँ, वेरी ओवर एंड वेरी हैवी एट द मोमेंट. क्वाइट एक्साइटेड ऑफ कोर्स. कुछ ही दिन बाकी है, पता नहीं कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा होने वाला है ना. व्लॉग्स भी आने को आएंगे, आपको देखने में मज़ा भी आएगा, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट होंगे. लाइक यू नो, ऑब्वियसली अगर कुछ ना भी हो, बस बैठेंगे भी साथ में, तो भी वो मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, बिकॉज वो आपके स्पेशल लोग होंगे. ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स तो इंडिया में नहीं भी हैं, दे आर लाइक आउटसाइड, ऑब्वियसली इन कैनेडा, US और समवेयर होती है. बट आई मिस देम ऑफ कोर्स. जो है इंडिया में उनके साथ तो मज़े तो मान नहीं है. मॉम, डैड, लिटल सिस्टर, लिटल क्रैंकी स्टूपिड सिस्टर, तो बस सबके साथ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तुम्हें तो मिलना है. एक यू नो, अपनापन चाहिए, जो अपनापन यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत कम बाहर मिलता है यहाँ पे. लकीली मैं इतनी तो लकी हूँ कि एटलीस्ट एक इंसान के साथ तो मुझे UK में अपनापन मिलता है. बट टचवुड, वरना इंडिया में तो अपने सारे होते हैं. तो बस वो अब एक्साइटमेंट, जिटरी फीलिंग शुरू हो गई. सो यू वांट टू सी द भसड़, वेट अ मिनट, दिस इज ऑल द भसड़ एवरीवेयर सराउंडिंग. मैं, मेरे पास बस इतनी जगह बाकी है. एंड आजू बाजू सब जगह पे बैग्स खुली है, कपड़े पड़े हैं, बैग्स, प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग्स, एवरीथिंग, बॉक्सेस. एंड ये देखो, देखने वाली चीज़ तो ये है, अ बैग फिल्ड विथ चॉकलेट्स. और अब समझ तो गए होंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है. ऑब्वियसली इंडिया जा रही हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया है. आई नो इंडिया जा रही हूँ तो पैकिंग कर रही हूँ. तो मैंने स्मार्ट काम ये करा है कि मैं अभी यहाँ से ही छोटे 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 पाउचेस बना के हर एक के इंसान के नाम के साथ मैं पैक करके रख दूंगी, ताकि मुझे वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए. बिकॉज मैं फिर वहाँ पे पागल हो जाऊँगी. मैं घूमना चाहती हूँ, अभी मज़े करने चाहती हूँ, ये सब भसड़ नहीं चाहिए मुझे. तो अभी मैं सॉर्ट कर दूंगी फटाफट. तो लेट्स स्टार्ट दैट. एंड ये चक्कर में मेरा नेल टूट गया यार, आई एम सो सैड. सी दिस, कैन यू सी, आई डोंट नो इफ ब्लर हो रहा है. ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो द ब्रोकन नेल. हैव यू एवर सीन इट, आई एम सो अपसेट. ये हाथ का भी ऐसे पैकिंग के चक्कर में टूटा था, तो मैंने सारे काट दिए, अब इसके भी सारे काटने पड़ेंगे. सो प्रीटी, नो वरीज. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. हेलो, सो मेरे फेस से टायर्डनेस दिख रही होगी. मैं सो के नहीं उठी हूँ, मैं टायर्ड हूँ, ठीक है. आई एम रियली टायर्ड. पूरा पैकिंग हो गया, इंडिया का भी पैकिंग हो गया और शिफ्टिंग का भी पैकिंग हो गया है. सो आई एम सो रिलैक्स्ड राइट नाउ ऑनेस्टली. अभी रात के, रात दिन पता नहीं क्या, मतलब मॉर्निंग के, अर्ली मॉर्निंग के 3:30 बज रहे हैं. सुबह उठ के मुझे शिफ्ट पे भी जाना है एट 8. मेरे पास हार्डली 4 आवर्स भी नहीं है.
पता नहीं कैसे होने वाला है बट होगा। एंड मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने 8 घंटे की शिफ्ट करी अगले दिन, मतलब कल, एंड अब वापस से 8 घंटे की शिफ्ट करूँगी, वो भी सिर्फ नॉट इवन 4 आवर्स स्लीपिंग। सो फन, बट वट एवर, आई एम सक्सेसफुल। इन लाइफ की पैकिंग हो गई है, मतलब मेजॉरिटी पैकिंग इज़ डन, ओनली फ्यू बिट्स आर लाइफ, यू नो द लास्ट, मैंने एक टॉयलेट्रीज और वो सब चीज़ें बाकी है, वो अब मैं एंड में रखूँगी। बाकी मेरा जो स्टफ़, इंपॉर्टेंट जो स्टफ़, गिफ्ट्स होती है, मेरा खुद का बैग, लगेज होता है, वो सब पैक हो गया है। सो आई एम सोटेड, एंड अब थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा अब जाना है यार, ऐसा फीलिंग आना शुरू हो गया है। एंड अभी अगर घर देखो, मतलब आई मीन नॉट घर बट अगर रूम देखो, तो मैं बताती हूँ। वेट अ मिनट, हंसना मत बस। देखो मेरा रूम भी दिख रहा है कि सिर्फ ये ऐसा नहीं, मेरा लगेज रूम पड़ा है, जैसे दैट्स एन एंट्रेंस, ओके दैट्स एंट्रेंस, एंड इफ यू कम इन देयर इज ऑल दिस लगेज लगेज लगेज, एंड ये मेरा बेड है, मतलब मेरे पास चलने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह है, ये इतनी सी जगह है और ये जगह बस, बाकी सब जगह पे लगेज, एवरीवेयर यू विल फाइंड लगेज, बैग्स बैग्स, बॉक्सेस बॉक्सेस, एंड ये मैं हूँ, पड़ी हुई सी, बैठी हुई सी। अभी भी इतनी एनर्जी आपको दिख रही है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, अ लिटिल बिट दैट हैज स्टार्टेड राइट नाउ, बा इट्स हैपनिंग, ग्रेजुअली इट्स हैपनिंग। सो दैट्स माई लास्ट क्लोजिंग हियर एंड आई एम रियली 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 इमोशनल फॉर द टाइम बीइंग। इंडिया जा रही हूँ ना, उसके बाद वापस आ रही हूँ, आई नो, बट स्टिल इट फील्स लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम वन होम फॉर वन मंथ, लाइक इट्स अ टफ फीलिंग बिकॉज दिस प्लेस इज माई होम, हैज बिकम माई होम, एंड यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हाउ हाउ हू एवर आई नो हियर, द ओनर ओनर इज माई मॉम इन द UK, एंड द ओल्ड स्टाफ इज माई फैमिली हियर, माई because they have seen my all the tough times as well, so it is kind of little, it's okay, we are going to another family, coming back again to this family. अभी देखते हैं आगे आगे, देखो शिफ्टिंग भी हो गया है, आई शो यू एवरीथिंग, धीरे 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 शिफ्टिंग करना है, फिर ये करना है। अब वैसे भी बाकी है कल का दिन, एंड फिर तो उड़ना है, अब एक्साइटमेंट शुरू हो गई है, बाय, बने रहिए मेरे साथ, एंड विल मिस दिस प्लेस, आई मिस यू टीस्टोन्स, माय लास्ट क्लोजिंग फॉर द टाइम बीइंग, आई विल बी बैक, मिस मी, ओके, यू मिस मी गर्ल्स, यू मिस मी ऑल द टीज एंड द कॉफी, एवरीथिंग, मिस मी। टुडे इज लास्ट डे एंड इन कैंटरबरी सारा सामान सब शिफ्ट हो गया है, एंड अब टाइम आ ही गया है जाने का, ना जाने का, वापस आएंगे यहाँ पे, मतलब विजिट करना। सो ये सारा सब कुछ मैं नया घर में शिफ्ट कर दिया है, ये घर भी आज मैं छोड़ दूँगी, अभी नया घर मैं नहीं बताऊँगी, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगी इन द नेक्स्ट व्लॉग जब मैं वापस आ जाऊँगी। तो हाँ, अब अभी तो मुझे थोड़ी भी एक्साइटमेंट नहीं है, कल रात को तो थोड़ी बहुत भी थी मुझे एक्साइटमेंट, अभी मुझे थोड़ी भी एक्साइटमेंट नहीं है, मैं काफ़ी नर्वस हूँ मेरे लगेज टाइमिंग्स मैच करने में, और एक और चीज़ बाकी रहती है सक्सेसफुली वो कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, लेट्स होप। बाकी आई एम रेडी, शिफ्टिंग ओवर शिफ्टिंग डन, लास्ट बैग अभी रखना था, सुबह सुबह मैंने रखा है, पता है 7 बजे मैं रखने गई हूँ, 6 बजे उठी हूँ, रेडी हुई हूँ, बैग घूम घूम सब क्लियर अप करा, एंड लास्ट बैग मैंने ड्रॉप करा, बस अब कैंटरबरी को बाय करने का टाइम आ गया, दैट्स डेन जोन्स, वेयर इज इट, कैन यू सी, यस दैट्स डेन जोन्स। तो बस अब तो हो गया सब, नाउ आई एम एट माय फेवरेट प्लेस विद माय लगेज, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आई एम वेरी 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 टायर्ड, लाइक लिटरली वेरी बैड टायर्ड,
अब मुझे टेंशन ये बात का हो रहा है कि मैं इंडिया में रेलवे स्टेशन पे मैं क्या करूँगी। मतलब यहाँ से तो बस है, बस से मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट उतर रही हूँ, एयरपोर्ट पर लगेज चला जाएगा, फिर एयरपोर्ट उतरने के बाद कैब लेनी है, वेरी इजी, फिर कैब से मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, इंडियन रेलवे स्टेशन, मुंबई का रेलवे स्टेशन, चलो ठीक है। एंड फिर वहाँ से स्टेशन उतरने के बाद कैब मुझे छोड़ देगी एक हद, फिर मैं वहाँ से अंदर सामान कैसे ड्रैग करके लेके जाऊँगी, मुझे वो अभी से डर लग रहा है। फिर चलो होम सिटी में पहुँची, वहाँ पे ट्रेन ने मुझे उतार दिया, फिर ट्रेन से लेके कैब तक का जो जर्नी होगा वो कैसे होगा, मेरे से मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पास क्यों इतना लगेज है यार। हमेशा एक ट्राई मैं बेस्ट कि लगेज ना हो ना हो ना हो, बट कांट हेल्प इट, हैव टू गो थ्रू, बट इट्स गोना बी अ फन राइड टुडे। अभी से मेरे हाथ दर्द करने लग गए, लेट्स सी। सो दिस इज हाउ आई लुक नाउ, कैन यू सी माय हेयरकट, न्यू हेयरकट। सो दिस वाज आई टेलिंग अबाउट इन द मॉर्निंग, इन द ड्यूरिंग अर्ली टाइम, दैट दिस इज व्हाट आई वाज प्लान्ड एट द लास्ट मिनट, ओके, बट या इट्स कम आउट नाइस, आई एम लुकिंग नाइस। सो ऑलरेडी टू गो, बट अभी मेरे पास एक घंटा है, तो लेट्स सी व्हाट वी डू। चंद्रमा, अभी तो मेरी, हाँ कब से चालू है, अभी तो तू मेरी एम नहीं, अरे शिफ्टिंग से चालू है पूरा, शिफ्टिंग विफ्टिंग सब इसमें, जिसको जिस जिस लोगों को मैंने झूठ बोला है ना सब पता पड़ जाएगा। ये ब्लॉग देख के समझ जाना, ठीक है, क्या मैंने झूठ बोले। हाँ तो बाय बाय, नहीं वापस आने वाली हूँ भाई, वापस आने, शुभ शुभ बोल भाई, आना है वापस आना है। Everything's done. We have entered the security check as well. So now things I've reserved, I've just collected, but I can't figure out where can I collect those things. And I don't know who can help me with this. I can't find anyone who can help me. Help me, guys! Help me! Help me! Help me! Help me! मैंने अभी कुछ चीज़ें ली हैं, रिजर्व करा था मैंने, तो मैंने अल्कोहल ऑब्वियसली एंड लिया है सम चॉकलेट्स, बस अरेंज करती हूँ एंड फिर आई गो टू अ लॉन्च एरिया एंड आई स्लीप। आई हैव टू फ्रिकिंग आवर्स टिल माय बोटिंग स्टार्ट्स, सो आई एम स्लीप। ढूंढेंगे गेट वेट जो भी है, पर दो घंटे अच्छे से सोना है बिकॉज मैं रात को नहीं सोई हूँ। ऑफकोर्स कम टू इंडिया, एयरपोर्ट पे आ गए, वो पता ही पड़ेगा, पता है। मैं यहाँ पे आके देखा कि डिजिटल स्क्रीन तो चल ही नहीं रहा है, तो फ्लाइट नंबर कैसे देखेंगे भाई, उसमें ही पता पड़ेगा। या वेलकम टू इंडिया, एंड एज यूजुअल मेरा लगेज अभी तक आया नहीं है, एज यूजुअल वो लेट आ रहा है, हमेशा का है, हमेशा मेरा लगेज लेट आता है, क्यों एक भी बैग नहीं आया। और फिर मेरे को टेंशन में शुरू हो जाता है कि यार कोई पंगा तो नहीं हुआ ना, कोई पंगा तो नहीं हुआ ना, कोई पंगा तो नहीं हुआ ना। एक शाल आता हुआ दिख रहा है, तो वो मेरा है कि, तो सारे कलर भी साले मेरे जैसे ही है सारे, मैंने इसलिए ये कलर लिया था कि यार मेरे को दिख नहीं रहा था इतना ज़्यादा, अब इतना ज़्यादा दिख रहा है कि भाई मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरा बैग कौन सा है। सो शिट, बढ़िया, कम हेल्प इट। वेटिंग 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 वेटिंग,
साल लगे लोगों से कई इश्यू हुआ, पता पड़ेगा कि हम इंडिया में आ गए, बट आफ्टर ऑल इंडिया इज इंडिया, जो भी बोलो क्या दे दे रही है हमारा। देखते अब थोड़ी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा हो रही है, अब तो कुछ कितना घंटा 5-6 घंटे तो बाद में मम्मी पापा के पास। सो एक्साइटेड, लेट्स सी हाउ इट गोस। कमिंग, कमिंग होम, आई एम कमिंग होम। हमें इस ट्रेन में जाना है, इस ट्रेन में यहाँ जाना है, यहाँ तो वेट करेंगे। बहुत सेंस यहाँ से तो सिर्फ 5 घंटे, मेरा आवाज़ पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस सिर्फ 5 घंटे हैं यहाँ से, 5-5.5 घंटे सारी धूप लेके चली जाऊंगी, पूरे साल की धूप लेके जाऊंगी, एक महीने के लिए आ रही है तो सारी धूप लेके चली जाऊंगी, वो भी कम पड़ेगी। और यहाँ पे अभी धूप लग रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ठंडी देख ली, एक ठंडी देख रही थी तो गर्मी से एक महीने के लिए। वेलकम टू सूरत। सब्जी बना गई ली। Finally driving my Kia. I'm so happy today. ड्राइव करते करते फोन नहीं चलाना चाहिए, तो आई जस्ट ये शॉर्ट लेना था, बस हो गया। Like this is 1.5 bag, like this. Oh my god, ab ye distribution hum chalu karenge aaj raat se.